हमीरपुर के गलौर के पास दसवीं गांव में अधेड़ व्यक्ति की मौत के मामले में दो पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है और इसके साथ ही पुलिस ने तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मृतक के साथ पुलिस वालों ने भी मारपीट की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिस कर्मियों को भी गिरफ्तार कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। एसपी अजित सेन ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और आरोपी एक कांस्टेबल को और दूसरे पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है, साथ ही एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर छानबीन की जा रही है। हमीरपुर के दसवीं गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की मौत होने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। मृतक व्यक्ति की मौत के लिए ग्रामीणों पर की गई कार्रवाई को दसवीं गाँव के लोगों ने गलत ठहराते हुए एसपी हमीरपुर से मांग की है कि दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाए। एसपी हमीरपुर अजित सेन के पास प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर पकड़े गए लोगों को छोड़ने की मांग की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। एसपी हमीरपुर अजित सेन ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिसकर्मी को मारपीट करते हुए देखा गया है, इसलिए पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आए हुए प्रतिनिधि मंडल को भी आश्वासन दिया गया है कि पुलिस हर पहलू की गहनता से पड़ताल कर रही है और अगर लोग निर्दोष हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। थोड़ी देर पहले एक डेपुटेशन आया था दसवीं गांव का, और जैसे कि आपको पहले मालूम है कि पिछले कल वहां पे एक मुकदमा दर्ज किया, तो उसके 302 के धारा के अंतर्गत 342 ITC के अंतर्गत, तो उससे संबंध में ये लोग आए थे। इन्होंने हमारे को एक ज्ञापन भी सौंपा है, मेरी काफ़ी डिटेल में इनसे चर्चा हुई और हम ये भी डिस्कस किया हमने कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनके पास अगर कोई एविडेंस है या इस तरह की चीज़ें हैं जो हमको दें, और हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए मैंने इनको कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से कोऑपरेट करें ताकि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष ढंग से जो है जल्द से जल्द कम्प्लीट कर सकें। और उसी के संबंधित इन लोगों ने हमारे मेरे को एक ज्ञापन भी दिया है और मैंने इनको आश्वासन दिया कि हम निष्पक्ष ढंग से ये इन्वेस्टिगेशन को टाइमली कम्प्लीट करें। जो विक्टिम है, ना कि एक्यूज, जो विक्टिम है उसकी प्रेजेंस जो है इस हमने उनके ब्रदर से जो है कंप्लेंट दी थी, इन्होंने दी है हमको कंप्लेंट, उसमें ये एक्यूजेशन किया गया है कि इनकी एक मतलब परसों रात को जो शाम को रात को इसको मारपीट की गई, और हमारे पास अभी तक एविडेंस में के हिसाब से जो भी डिटेल्स आई है उसमें तीन व्यक्ति जो इस गांव के हैं उनको हमने अरेस्ट किया है, और साथ ही साथ जो पुलिस वाला भी वहां पे गया है उसकी भी हमको एक डिटेल पता चली है कि इन्होंने भी उनको उसके साथ मार पिटाई की थी, तो उसको भी हमने अरेस्ट किया है। जो एक और पुलिस वाले, दो पुलिस वाले वहाँ पे गए थे, दोनों ही पुलिस वाले ऑब्वियसली सस्पेंडेड भी हैं, उनको सस्पेंड किया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें कंटिन्यूड है, तो इसके बारे में अभी जैसे और डिटेल आएगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है अभी उसका हम इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ी और क्लैरिटी हो पाएगी। सर, ये दोनों पुलिस कांस्टेबल जो है ये अरेस्ट है सर या क्या? नहीं, इसमें एक हेड कांस्टेबल था जिसके जो हमारे को डिटेल जो एविडेंसेस मिले हैं उसके हिसाब से उसने मारपिटाई उसके द्वारा की जानी पाई जा रही है, उसको हमने अरेस्ट किया है, और दूसरा जो HSC है मानक मुख्य आरक्षी उसको हमने सस्पेंड किया है और इनके डिपार्टमेंटल कार्रवाई। वहीं SP हमीरपुर से मिलने आए हुए दसवीं गांव के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य KL शर्मा ने बताया कि गांव में चोर घुसा हुआ था और चोर को पकड़ने पर पुलिस के सुपुर्द कर दिया, लेकिन पुलिस ने उल्टा केस गांव वालों पर ही बना दिया। उन्होंने कहा कि दो दिन होने पर ही पुलिस वालों ने बयान दर्ज नहीं किए जबकि 6 लोगों को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि मौत होने वाले व्यक्ति पहले भी गांव में आकर महिलाओं के कपड़े चुराता था और गांव वालों ने पकड़ लिया था। सारे गांव वाले यहां पर आए हैं क्योंकि हमारे गांव में कल एक चोर घुसा था शाम को, और उस चोर को पकड़ा है हमारे गांव वालों ने, और उस चोर को पकड़ करके पुलिस को हैंडओवर कर दिया, मगर पुलिस ने उसको मारा पीटा, उसकी वजह से उसको हमने हैंडओवर कर दिया। वो पुलिस वालों ने पता नहीं कहाँ छोड़ा, उसको कैसे क्या हुआ, और वो बाद में उसकी डेथ हो गई है। तो वो पुलिस वालों ने उल्टा केस गाँव वालों पर बना दिया जबकि मारा उन्होंने। तो ये हमारी सब गाँव के इकट्ठे हुए हैं, हमारी सबकी स्टेटमेंट है ये कि हमारे आज तक 2 दिन हो गए हैं, आज तक हमारे से किसी पुलिस वाले ने बयान नहीं लिया, मगर हमारे 6 आदमी अरेस्ट कर लिए, उनसे 3 छोड़ दिया और 3 अभी तक अंदर अरेस्ट हैं, जबकि ये पुलिस वाले आदमी जो है वो अरेस्ट होना चाहिए। और उसकी पुरानी जो स्थिति है वो आपको शायद इसमें पत्र में हमने लिखी है, वो चोरी का काम करता है पहले भी, सारे गाँव में स्त्रियों के कपड़े उठाता है वो।
कपड़े उठाता है वो, और उठा करके पता नहीं कहाँ बोरियों में डाल रखे उसको बेच, चौकी जो ग्लोड है उसके पुलिस के ASI और दो आदमी थे वो पता नहीं नाम उन्हें हम उनको पता नहीं उनका, तो उन्होंने बुरी तरह से मारा पीटा उनको। तो अब क्या डिमांड क्या है पूरी आपकी? हमारी डिमांड ये है कि जो हमारे तीन आदमी उनको अरेस्ट किए उनको छोड़ा जाए और जो कल्प्रिट हैं पुलिस वाले उन पर केस बनाया जाए। अशोक शर्मा ने बताया कि मौत हुए व्यक्ति पर पहले भी महिलाओं के कपड़े चुराते हुए पकड़ा गया था और इस बार गांव में व्यक्ति को पकड़ा था जिस पर पुलिस के हवाले व्यक्ति को किया था, लेकिन बाद में व्यक्ति की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी उनके खिलाफ ही केस बना दिया है जो कि सरासर गलत है। कि उस बंदे को बाकायदा जब हमने बिठाया, हमारी वार्ड पंच जिनको उन्होंने बुलाया जो विक्टिम थे जिनके घर में ये घुसा था, ये साइट्रिक बंदा है बेसिकली, काफ़ी इसके पहले रिकॉर्ड में भी ये चीज़ें थी कि ये लोगों औरतों के अंडरगारमेंट्स चुराता है, दो तीन बार पहले भी ये चीज़ हुई थी, पुलिस में रिकॉर्ड है। बाकायदा हमने उसको वहाँ बुला के कुर्सी पे रखा और उसके बाद में वीडियोग्राफी हुई, पुलिस के दो बंदे आए और उन्होंने उसको पूछा, बिल्कुल स्वस्थ था और पुलिस की मौजूदगी में उसको मारा गया बिल्कुल, और बाद में वो वहाँ पे हमारे गांव की सरहद से ले जाके पब्लिक की मौजूदगी में वहाँ से गांव के ही बाहर सरहद तक लेके गए। अब अगर पुलिस का ये कहना है कि इसके ऊपर चोटों के निशान थे, अगर निशान थे तो वो पुलिस का लुकआउट था कि बंदा जिंदा हालत में था तो उसे हॉस्पिटल में ले जाते, उसे लॉकअप में डालते या कहीं कोई जो भी कार्रवाई करती। हमने जब उस बंदे को जिंदा रिकवर करवा दिया और बोला कि साहब अभी आपकी कस्टडी में दे दिया, तो ये पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी बनती कि वो कुछ भी व्यवहार करती उसके साथ में, लेकिन उसके बावजूद हमारे उल्टा जो जिन्होंने कंप्लेंट की उनको अंदर कर दिया गया, जो वार्ड पंच उसकी मदद करने आई थी उनको अंदर करके रखा है, जो घर का पड़ोसी था उसको भी अंदर डाला है पकड़ने वाले को। ये गलत है, मतलब ये तो ये हो गया कि जिसने कंप्लेंट की वो उसको कंप्लेंट ही नहीं करनी चाहिए, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जो है छानबीन हो इस मैटर की। महिला ने बताया कि सभी लोगों ने पुलिस वालों से कहा था कि इसकी पिटाई ना करें और पुलिस थाना ले जाओ, लेकिन पुलिस ने मारपीट जारी रखी। उन्होंने कहा कि गांव वालों ने व्यक्ति को अच्छी हालत में पुलिस के हवाले किया था जिसका वीडियो भी बनाया है। इसको इतना मत मारो, आप अपने साथ ले जाओ और वहां से जो भी छान पूछताछ करनी आप वहां कीजिए, तो कहते कोई नहीं हमारा मैटर है हम देख लेंगे, ये उन्होंने कहा। फिर हमने इसके बाद हमारे सामने पुलिस वालों को हैंडओवर किया और वहाँ उनको रास्ते तक छोड़ के कि आप जाओ, अब हम अपने घर चले गए। इसके बाद कल रात को 10 बजे तक पूरे गांव को मेरा नाम पुलिस स्टेशन में बिठाया गया, हमने